दिलों की जरूरत किसे है फरहाद, हजारों धड़कते हैं आसपास, टके से बिकते हैं ये जज्बात। जो तू चाहता है ना वो नहीं हो सकता। मैं किसी और की होने जा रही हूँ, चंद दिन में मेरी रुखसती है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा माई। यार नहीं लग रहा उसका फोन। तेरी आखिरी बार फेदी से बात कब हुई थी? यार 4 दिन पहले हुई थी, आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर थी। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता है मौसमी बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। यार मगर उसका सेल क्यों ऑफ जा रहा है? हो सकते यार मसरूफ हो, जगीरदारों की नौकरी कर रहा है, दिन रात काम लेते होंगे बेचारे से। यार मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़के के चक्कर में ना पड़े। बस मैंने अब तय कर लिया, अब अगर फिदी आया या हम उससे मिलने गए तो उसे उठा के वापस ले आएंगे। हाँ सही कहा। बहुत हो गया यार, उन बेकदरों की नौकरी करने से बेहतर है कि वो यहाँ बेरोजगार रहे। हाँ बिल्कुल। तो उसका दोबारा नंबर ट्राई कर, शायद अब मिल जाए। सजाद वो फ़ोन करी ना आज फीदी को, फ़ोन करी उसको कहना अम्मा कह रही थी 1-2 दिन के लिए चक्कर लगा ले, मुझे शक्ल तो दिखा दे, मैं बड़ी उदास हूँ। हाँ जी अम्मी जी, वो मैंने की थी उसे कॉल 2 दफ़ा तो फ़ोन बंद आ रहा था उसका। खैर मैं करूँगा दोबारा कॉल आज उसे। वैसे भी अम्मी जी वो कहता है कि काम में बिजी होते हैं इसलिए फिर फ़ोन बंद रखता है। अच्छा तो रात को तो खोलता ही होगा ना फ़ोन, तो रात को कर ले, उसको कहना 2 दिन के लिए 1 दिन को आ जा, अम्मा बहुत उदास है। और सुन वो अब्बा जी से जिक्र ना करिए, वो फिर वो बातें सुनाते हैं बड़ी मुझे। अच्छा सजाद भाई, फराद भाई से कहिएगा कि अब बेफिक्र होके आ जाएं, क्योंकि रमजान चाचा ने तो अखबार लगवा लिया है। ठीक है कह दूंगा। हाँ सजाद भाई, उसे कहिएगा कि उसने बहुत पैसे कमा लिए हैं और यहाँ हमने बहुत जायदादें बना ली हैं, अब लौटा है। ए,